फोकस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश गौरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं जो इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल की मां की तबीयत बिगड़ने के चलते सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा रद्द हुआ है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल की माता जी की तबीयत बिगड़ गई है, जिनको रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा स्थगित हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में आज छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ को लेकर मंथन हो रहा था, बैठ नाम तय होना था, क्योंकि लगभग आपको बता दें कि नाम तय है लेकिन ग्रीन सिग्नल वहां से मिलना जरूरी है, जिसके चलते आज की ये जो मुलाकात है, दिल्ली दौरा जो मुख्यमंत्री का है, वो बेहद महत्वपूर्ण बताया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री की माताजी की तबीयत बिगड़ गई है, जिनको रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके चलते मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा निरस्त हुआ है, तो स्थगित हुआ है दिल्ली दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माताजी की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके चलते दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का स्थगित हुआ है। तो रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री बघेल, उनकी माताजी की तबीयत बिगड़ गई है। आज दिल्ली दौरा भी था, पीसीसी चीफ के नाम पर मुहर लगनी थी, लेकिन सीएम की माताजी की तबीयत के बिगड़ने की वजह से सीएम का ये दौरा भी स्थगित हुआ है। तो लगभग नाम तय है लेकिन आज उस पर मुहर लगनी थी और आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जाता था, तो बड़ी खबर रायपुर से, भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा स्थगित हुआ है, सीएम की माताजी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उनका ये दिल्ली दौरा स्थगित हुआ। तो आपको बता दें पीसीसी चीफ के नाम को लेकर आज नाम जो फाइनल है उसे सिर्फ मुहर लगना था, लेकिन अब ये सीएम का जो दौरा है वो स्थगित हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की माताजी की तबीयत बिगड़ गई है, रामकृष्ण अस्पताल में वो भर्ती हैं, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे हैं माताजी को देखने के लिए और इसी के चलते सीएम का दिल्ली दौरा स्थगित हुआ है। आइए अगली खबर करो।